पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी जिला और महानगर की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी मंत्री पवन गोयल शामिल रहे। बैठक का एजेंडा गजरौला में होने वाले 2 फरवरी के बूथ सम्मेलन को लेकर रहा। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा और महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने संयुक्त रूप से की। संचालन महामंत्री राहुल शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि पवन गोयल ने 2 फरवरी गजरौला में होने वाले सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये सम्मेलन पश्चिम का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में जिला महानगर मंडल सभी मोर्चों के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। विधानसभा स्तर पर बसों की व्यवस्था करनी होगी। होने वाला 2 तारीख का बूथ सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद रहेंगे गजरौला। उसमें मुरादाबाद महानगर और मुरादाबाद जिले की जो तैयारी है, होने वाली संख्या, अपेक्षित सूची के हिसाब से जो मुझे देखने को मिला, 100% उपस्थिति होने वाली है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होने वाला है। मुझे ऐसा विश्वास है, जैसी तैयारी है, मुरादाबाद महानगर मुरादाबाद जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहेगा उपस्थिति के दृष्टि से। क्या टारगेट रहा है मुरादाबाद के लिए? भाई, तमाम बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, तमाम मंडल पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और सभी मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, संयोजक, विधायक, सांसद, महापौर, नगर पालिका चेयरमैन, ये टारगेट रहा। ये उपस्थिति 100% रहेगी।